अब आगे बढ़ते हैं और विस्तार से आपको जानकारी देंगे। बड़ी खबर है, यूपी में नदियां उफान पर चल रही है। सीएम योगी ने की है बाढ़ की स्थिति की समीक्षा। बाढ़ प्रभावित 11 जिलों की समीक्षा की गई है। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। कहा प्रभावितों को तत्काल मिले मुआवजा। 4 लाख की सहायता राशि देने का भी फिलहाल ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 4 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान हुआ है। सीएम योगी ने की है बाढ़ की स्थिति की समीक्षा। अधिकारियों के साथ भी चर्चा हुई है। तस्वीरें आप देखिए, बाढ़ प्रभावित 11 जिलों की समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा यहां पर की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। निखिल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार जायजा ले रहे हैं और 11 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर जायजा लिया जा रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है अभी, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, पिछले 3 दिनों में अगर बात की जाए तो खास करके गंडक नदी के आसपास के जो जिले हैं और पूर्वांचल के, यहां पर भारी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश सुल्तानपुर में हुई है, 270 mm बारिश हुई है, एक दिन में ये बारिश हुई है। उसके बाद 100 से 150 mm तमाम जनपदों में बारिश हुई है। लिहाजा इन जो जनपद हैं सभी जगह पे जलभराव की स्थिति है और खास करके गंडक कोसी नदी जो है उसके आसपास के जो इलाके हैं वो फिर से बाढ़ प्रभावित इलाके बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कारण ये कि एक तो नेपाल से पानी छोड़ा गया है, दूसरी तरफ जो बारिश है वो बहुत ज्यादा हो गई जब मानसून खत्म होने का समय था। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 वो जनपद जहां पर बाढ़ और अतिवृष्टि की प्रभाव पड़ा है वहां पर के अधिकारियों के साथ समीक्षा की और उन्होंने साफ निर्देश दे दिया है कि जो भी अधिकारी हैं जिम्मेदार वो मौके पर जाएं, फील्ड में जाएं और जाकर ये देखें कि इस बारिश से कितना नुकसान हुआ है, उसी के आधार पर लोगों का मुआवजा तय किया जाएगा। कुछ लोगों की मौत भी हुई है, कुछ की बिजली कड़कने से, कुछ की छोटी मोटी दुर्घटनाएं दीवार गिरने आदि की वजह से हुई है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंच कर इस बात की समीक्षा करें कि इस अतिवृष्टि जो हुई है उससे कितना नुकसान हुआ है। तो अभी जो 11 जनपद है वहां के अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि मौके पर पहुंचकर जाकर समीक्षा करें और समीक्षा के बाद रिपोर्ट सबमिट करें। इसके साथ ही जो बाढ़ प्रभावित इलाके यानी गंडक और कोसी नदी के आसपास के इलाके वहां पर एक विशेष अभियान चलाकर इस बात को तस्दीक कर ली जाए कि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं कि अगर पानी और बढ़ा जो नेपाल से छोड़ा जा रहा है तो इलाके प्रभावित होंगे और इलाकों में किस तरह से काम करना। जी चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे।